महापर्व की तैयारी और खरीदारी की बात संत कबीर की करें तो व्रत महिलाओं के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा तैयारियां अंतिम दौर पर हैं। तो वहीं व्रत महिलाओं ने बाजार से जमकर खरीदारी की। इस दौरान बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं छठ घाटों पर भी बेदी बनाने का सिलसिला अंतिम दौर पर है। आज व्रती महिलाओं द्वारा अस्ताचल सूर्य को अर्घ देने के साथ ही आज 36 घंटे की निर्जल व्रत प्रारंभ हो जाएगा। जनपद सहित ग्रामीण अंचलों में भी छठ पूजा विधिवत तरीके से मनाई जा रही है। पूजा समितियों द्वारा छठ घाटों पर रंग रोगन के साथ साथ प्रकाश व्यवस्था तथा वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए जलपान व प्रसाद की व्यवस्था भी कराई गई है। लगभग सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सभी पोखरों की रंगाई पुताई हो गई है, सफाई हो गई है। यहाँ नगर पालिका के पीछे जो पक्का पोखरा है वो काफी गहरा है, इसको देखते हुए वहाँ पे एक नाव की व्यवस्था की गई है और कुछ गोताखोर भी लगाए जाएंगे वहाँ पे दोनों टाइम सुबह शाम। और इसके अलावा बुधियानी समय माता मंदिर के पास भी एक पोखरा है जो काफी गहरा है, तो उसमें से हम लोग कुछ पानी निकलवा भी रहे हैं ताकि किसी के मतलब डूबने उबने की कोई संभावना ना रहे। और वहाँ पे हम बैरिकेटिंग भी कराएंगे। लाइट की भी व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं।